नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के कुबेर कॉम्प्लेक्स में इस्पा के आड़ में अश्लील धंधे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस्पा संचालक ने अपने एक सुचिंतक को इस खबर को दबाने के लिए क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर का नाम घसीटते हुए 15,000 रुपए मांगने की बात एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार से किया और उससे मदद की गुहार लगाई। बात नहीं बनी तो सुनिए क्या कह रहे हैं सुचिंतक पिंचू रिपोर्टर प्रहलाद से। अरे प्रहलाद सुनवा, हम तो बतिया मेरे भाई। हाँ बोला। प्रहलाद क्या हाल चाल है? कौन? अरे प्रहलाद, नंबर भी तेरा नहीं फिर की हो, पिंचू बोल रहा है पगला। अरे पिंचू भी आप हम बताइए। बताओ कि अभी तुमको न्यूज पता चला था कल एक दो दिन पहले, इस्पा वाला ना, मसाज पार्लर वाला, उसको तुम्हें पता है उसमें क्या सच्चाई थी क्या नहीं? नहीं, वो न्यूज तुमको कोई सूचना दिया तो सही, खाली बस क्लाउन टाइम पे चल गया तो काफी। मैं सूचना तो अभी अभी देखिए कल एक गणेश गुप्ता वाले में कभी है ऊपर जो है कि चल रहा है, कई जगह पे चल रहा है। इतने बड़े बड़े जगह पे जब खुल के चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग पास कोई ना कोई कागज पत्र कोई आदेश होगा, तभी तो आदमी चला रहा होगा। तो उनसे कहिए आदेश दिखा देना, हम उनके पक्ष से चला देंगे खबर। जो तुम चलाए हो खबर वहाँ वाली, इसी कुबेर में तुमको पता है कि नहीं, आधा कुबेर काशी नरेश का है, किराए पे वो दिए हैं जो चल रहा है उसमें नाम बदनाम हो गया काशी नरेश का परिवार का है। जानते हो कारण उसका? तुम दो दिन पहले कोई पत्रकार बन करके उन लोगों का कोई एक चलता है कुबेर में नीचे कोई डिस्को वगैरह, हाँ, उन लोगों का पूरा रिकॉर्डिंग दिया कैमरे में और बोला कि मैं पत्रकार हूँ और उसने बताया कि मैं क्लाउन टाइम से बोले कि ऐसा है कि बताओ पत्रकारों को तुम लोग क्या व्यवस्था देते हो। बोला कि भैया व्यवस्था की बात क्या है भाई, आप आए हैं भाई, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप मिट्टी खाइए पीजिए, आप पत्रकारिता के नाते आप दिखा रहे हैं अगर बता रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे और क्या कर देंगे। बोले कि देखो डिस्काउंट के लिए हम नहीं आए तुम्हारे यहाँ, हमको व्यवस्था चाहिए व्यवस्था। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा ऊपर इस्पा करता है, पीछे किसको चलाते हो? तमाम लड़के लड़कियां आते हैं तुम्हारे यहाँ, खाते हैं पीते हैं, हम लोग अभी तो सेवा सत्कार करो तो सब अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि भैया हम जब गलत नहीं करते हैं, हमारा डिस्को का लाइसेंस है, ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन है इस्पा का। अच्छा, और उसके बाद अब आपको हम सिस्टम काहे का सिस्टम दे? तो बोले कि हमको तो 15,000 रुपया दो। अच्छा। और उसके बाद बाकायदा तुम हर चीज चलाओ, हम लोग जब भी आएंगे कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो हम लोग कभी बिल मत ले आना। अच्छा। तो उसने बोला कि भैया देखिए मैं स्टाफ आदमी हूँ, मालिक हमारे बाहर, उनका CCTV फुटेज आप हमें दिलवा दीजिए। अरे पगला, फुटेज तो छोड़ो, तुम पहले इसका ऐसे बना करके खंडन अपने यहाँ डालो, पहले क्लाउड टाइम वाले से बात करो। खंडन ऐसे कैसे कर देंगे आप? हमको फिलहाल वो कुछ एविडेंस देंगे अपने तरफ से तब न खंडन करेंगे। अशोक मिश्रा जी से बात हुई है तो अशोक मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, हमारे जानकारी में नहीं था, ये खबर हमारे यहाँ पत्रकार चलाया, हमने अभी उसको अपने यहाँ से बाहर कर दिया। अरे ये सब खाली कहने की बात है। अरे नहीं यार, हम तो सर को बात सुनो, उनका हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग भी है, तो सर दिखाने की बात है। या तो जितना आप बोल रहे हैं इसको ऑडियो क्लिप वायरल कर रहे हैं, नीचे जो डिस्को बाहर चला रहा है ये किसका है? उसका नमवा याद आ रहा है, ये दो पार्टनर है ना उसमें, नहीं वल्लभ नारायण सिंह वही में। इस बातचीत से यह प्रमाणित होता कि इस मामले में क्लाउन टाइम्स का कोई लेना देना नहीं, फिर भी वायरल ऑडियो में क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर की चर्चा होने पर इसकी पड़ताल होना जरूरी था। क्लाउन टाइम्स की टीम ने सीधे कुबेर कॉम्प्लेक्स रथ यात्रा के अंडरग्राउंड में संचालित होने वाले तमाशा रेस्टोरेंट के प्रमुख श्री बल्लभ नारायण सिंह से सीधी बात किया तो उन्होंने क्लाउन टाइम्स के किसी रिपोर्टर के आने अथवा रुपया मांगने का CCTV फुटेज होने से इनकार किया। इस वक्त हमारे साथ हैं विद तमाशा कैफे के श्री बल्लभ नारायण सिंह। आइए जानते हैं एक इस रेस्टोरेंट में फैमिली रेस्टोरेंट है या कुछ और है यहाँ पे? ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, जैसा आप देख सकते हैं जगह पर, यहाँ पर टेबल्स लगी है, चेयर्स है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है फैमिली के लिए, यंग लोगों के लिए, साथ में डांस फ्लोर की व्यवस्था है जो बनारस में कहीं नहीं है। हमारी खासियत है खाने के साथ डांस फ्लोर। जैसे कि शहर में चर्चा है कि इस रेस्टोरेंट में ड्रिंक वगैरह की व्यवस्था, बार वगैरह है क्या यहाँ पे? संडे को हम लोग पार्टी रखते हैं और हम लोग फूड प्रोवाइड कराते हैं लाइसेंस के साथ। मतलब जी, आज से कुछ दिनों पहले आपके यहाँ मारपीट हुई, वो कौन लोग थे, क्या पूरी घटना थी? मारपीट मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा किसी ने हमारे स्टाफों को गेट पर पूरी तरह से रॉड से मारा, पिस्टल निकाल के सर पे लगाई और बहुत बुरी तरह मारा, जिसका मेडिकल हुआ है, FIR दर्ज है,
और CCTV फुटेज भी मौजूद है जो पुलिस के पास है। अभी भी खुले अब सारे अपराधी घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं उस पर, और हम लोग सारे भय में हैं अभी भी कि कब हमारे साथ दोबारा से कोई बड़ी घटना ना हो। तो आपको ये लग रहा है कि आपके रेस्टोरेंट को बदनाम करने के लिए एक सूची समझी साजिश हो रही है? बिल्कुल, एक साजिश के तहत है हमें बदनाम करने की, और ऐसी साजिशें और करते रहेंगे अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। घटना का कारण क्या है? इनके मुकदमे में नाम दर्ज है बिल्कुल। क्या नाम है उनका? नाम जान चौरसिया है, इमरान अली है, अजीत चौबे है। हम थोड़ा अपने दर्शकों को यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाना चाहेंगे। लाइट जला दें। वहीं रेस्टोरेंट पे हैंड्स ऑफ गोल्डन सैलून इस्पा के संचालक गौरव कालिया भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर से अपनी बदनामी की बात करते हुए क्लाउन टाइम्स की टीम को ले जाकर इस्पा का पूरा नजारा दिखाया और कहा कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनके यहाँ इस्पा की आड़ में कोई गलत कार्य नहीं होता। देखिए कुबेर कॉम्प्लेक्स के इस्पा का पूरा नजारा। अनिल जी, यहाँ पे किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं? यहाँ पे नॉर्मल बॉडी मसाज होता है बस। क्या रेट वगैरह है यहाँ पे? ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट लिखा हुआ है। अच्छा, जो सेवाएं दी जाती हैं वो मेल को मेल देते हैं, फीमेल को फीमेल, या मेल को फीमेल? मेल को मेल, फीमेल को फीमेल। अच्छा, दोनों तरह की सेवाएं हैं। अच्छा, जो फीमेल है वो मेल को सेवाएं देती हैं कि नहीं देती? मेल को मेल, फीमेल को फीमेल। अच्छा, तो ये जो पद्धति आपके स्पा की, वो केरल वाली पद्धति है कि कोई और पद्धति है? उस पर क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? वैसे स्पा की आड़ में क्या होता है, इसका रियलिटी चेक क्लाउन टाइम्स की टीम ने बाद में भी किया, जहां इस हाईटेक सैलून में युवतियां हैं पुरुषों का मसाज करती हैं। देखिए हमारी विशेष कवरेज। आगे हम दिखाएंगे इस शहर में संचालित होने वाले अन्य स्पा पार्लर, जिसमें विनायक प्लाजा में संचालित हो रहे सिल्क एंड स्टाइल और काशीराज अपार्टमेंट स्थित वैदिक का दुर्लभ नजारा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह खबर अगर वास्तव में सच है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस क्या वास्तव में स्मार्ट हो रहा है और बदल रहा है बनारस? इस खबर में यदि वास्तव में सच्चाई है तो यह बनारस के कानून के रखवालों के लिए जांच का विषय है, अन्यथा किसी की कोरी कल्पना है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर को आप भी देखिए, पढ़िए और सोचिए कि तीनों लोगों से न्यारी काशी में कथित आधुनिकता के नाम पर ये क्या हो रहा है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।